हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन फॉर द डिफरेंट फार्मेसी एग्ज़ाम। डी फार्म, बी फार्म या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और डेली लाइफ में भी एज अ फार्मासिस्ट हमें यह सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। किस चीज़ का क्या एब्रीवेशन है, क्या लॉन्ग फॉर्म है, यह हमें मालूम होना चाहिए। हम आज देखने वाले हैं दी एब्रीवेशन। ओके, देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हमारे लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट, दैट इज़ दी COVID-19 मीन्स ए कोरोना वायरस डिसीज़। 2019 में ये ओरिजिनेट हुआ था वुहान में, चाइना में। ओके, कोरोना वायरस डिसीज, देर आर 7 स्पीसीज दैट कॉजेज द कोरोना एंड द COVID-19 कॉज ड्यू टू दी SARS-CoV-2। ओके, इसकी वजह से कोरोना होता है। देन नेक्स्ट, एड्स। सेकंड क्या है? एड्स। ओके, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस की वजह से होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI इज द कैलकुलेशन ऑफ द फैट। ओके, ये कैलकुलेशन फैट विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट एंड द वेट। ओके, हाइट एंड वेट के रिस्पेक्ट से क्या करते हैं, फैट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट, दैट इज द डिप्थेरिया, DT, डिप्थेरिया एंड द टिटैनस। ये क्या है? डिप्थेरिया एंड दी टिटैनस है, ये वैक्सीन है। ओके, देन TT, टिटैनस टॉक्सॉइड। ओके, इट इज कॉजेज द लॉक जॉ। ओके, कॉजेज द लॉक जॉ और प्रिवेंटिंग दैट लॉक जॉ, TT इज इंजेक्शन इज यूज, दैट इज द टिटैनस टॉक्सॉइड। ओके, देन नेक्स्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ दी पोलियो वैक्सीन दैट आर यूज अगेंस्ट द, ओके, पोलियो माइलेटिस। ओके, द पॉजिटिव वायरस फॉर दैट पोलियो माइलेटिस। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ दी पोलियो वैक्सीन वी यूज, दैट इज OPV एंड IPV। ओके, वॉट OPV एंड दी IPV, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। दिस इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज गिवन थ्रू द इंजेक्शन एंड द ओरल थ्रू द माउथ। ओके, इसके थ्रू देते हैं, ये ओरल माउथ के थ्रू देते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन ऑल्सो कॉल्ड एज सैबिन, इसे क्या कहते हैं? सैबिन कहते हैं। एंड द इंजेक्शन थ्रू जो देते हैं उसे क्या कहते हैं? साल्क। ओके, ये साइंटिस्ट के नाम है, सैबिन और साल्क। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है MMR। ओके, MMR यानी मिजल मम्स एंड रूबेला। ओके, ये वैक्सीन है। ये वैक्सीन कब देते हैं? पहला फर्स्ट डोज जो है 9 मंथ टू 15 मंथ्स। ओके, यहाँ पे देते हैं और सेकंड डोज 6 ईयर पे देते हैं इस वैक्सीन का। ओके, देन BCG, बैसिली कैलमिटी गुरी। ओके, BCG वैक्सीन इज फॉर दी TB, किसके लिए है? ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। देन UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, यूरिनरी ट्रैक जो है हमारे, उस यूरिनरी ट्रैक को क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तब उसे कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। CHD, दैट इज कोरोनरी हार्ट डिसीजेस। ओके, कोरोनरी इज द आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। यह क्या करती है? हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। द डैमेज ऑफ दैट आर्टरी। ओके, उस आर्टरी को क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी को डैमेज होता है, दैट इज कोरोनरी हार्ट डिसीजेस। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, STD। STD मीन्स व्हाट? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस सच एज सिफिलिस, गोनोरिया। ओके, दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। देन आगे देखेंगे CBC। ओके, CBC यानी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या मेजर करते हैं? पूरा बॉडी का वहाँ पे टेस्ट करते हैं, इवेल्यूएट योर ओवरऑल हेल्थ एंड डिटेक्ट द वाइड रेंज ऑफ द
disorders. Okay, overall or wide range, including anemia, infection, leukemia. Okay, आपका आरबीसी भी चेक होता है वहाँ पे, डब्ल्यूबीसी होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, सब टोटल ब्लड का काउंट और टोटल यहाँ पे काउंट किया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, टीबी, दैट इज दी ट्यूबरोक्लोसिस. क्या है? ट्यूबरोक्लोसिस. ओके, देन आफ्टर देन सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके, इट इज द डिसीज ऑफ द रेस्पिरेटरी. ओके, देन रुमेटॉइड आर्थराइटिस. ये क्या है? जॉइंट पेन होता है इसमें. क्या होता है रुमेटॉइड आर्थराइटिस में? जॉइंट पेन. इट इज ऑटो इम्यून डिसीज. क्या है ये? ऑटो इम्यून डिसीज है, मीन्स बॉडी के सेल अगेंस्ट दी बॉडी के सेल यहाँ पे क्या करते हैं? काम करते हैं. देन नेक्स्ट है बीएमआई. देखा है हमने बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके, ओवरऑल बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर. ओके, यानी क्या? ओवरऑल एनर्जी का कितना एक्सपेंडिचर वहाँ पे होता है, इसे कहते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट. देन सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस. ओके, ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिसीजेस ऑफ द लंग्स. ओके, दैट ब्लॉक द एयर वे. एयर वे क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं. ग्रुप ऑफ डिसीज ऑफ द लंग दैट ब्लॉक द एयरवेज. देन नोट्स इसके मैं देने वाला हूं आपको, कोई इश्यू नहीं इसके बारे में. ओके फ्रेंड्स, देन सी एच डी, दैट इज कोरोनरी हार्ट डिसीजेस. देन देर आर टू टाइप्स ऑफ द डायबिटीज. ओके, वन इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस. ओके, डायबिटीज मिलिटस के कितने प्रकार है? फिलहाल डायबिटीज के दोन है, डायबिटीज मिलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडेंट. ओके, दे आर रिलेटेड टू इंसुलिन, इंसिपिडेंस दे आर नॉट रिलेटेड टू द इंसुलिन. ओके, फर्स्ट दैट इज आईडीडीएम यानी क्या? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, उसे कहते हैं टाइप वन. क्या कहते हैं? टाइप वन. सेकंड NIDDM, दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, दैट इज टाइप टू. उसे क्या कहते हैं? टाइप टू. देन ATS, एंटी टिटनस सीरम. ओके, इट इज फॉर द प्रिवेंशन एज वेल एज द प्रिवेंशन के लिए भी यूज किया जाता है और एज वेल एज द क्यूरिंग द टिटनस. ओके, देन NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स जो कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं होते. ओके, अभी कोरोना कैसा है? कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं होते. ऐसे कौन से? किडनी के डिसऑर्डर है, हार्ट के है, लीवर के है, आपके ब्रेन रिलेटेड है, पैंक्रियास रिलेटेड है, कोई भी ऑर्गन का डिसऑर्डर हो, दैट कम अंडर दैट. ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट है HAV, दैट इज हिपेटाइटिस वायरस ए. हिपेटाइटिस के अगेंस्ट जो काम करता है वो वायरस कौन सा है, वो वैक्सीन कौन सा है? HAV. ओके, सॉरी, वायरस का कौन सा टाइप है वो? HAV, वैक्सीन का नहीं, वायरस का टाइप है. ओके, दिस स्प्रेड थ्रू द फिकल मैटर. ओके, ये स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू द फिकल मैटर. थ्रू क्या होता है? ये स्प्रेड होता है. देन नेक्स्ट कौन सा है? HBV. HBV जो है वो कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू द ब्लड. हिपेटाइटिस बी वैक्सीन कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू द ब्लड. देन DPT, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटैनस, यानी कि DPT. देन CVS, ये मालूम है आपको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, इट इज द फ्लूड रिप्लीनेशन थेरेपी. ओके, फ्लूड रिप्लीनेशन थेरेपी है. BBT, दैट इज द बेसल बॉडी टेम्परेचर. क्या है ये? बेसल बॉडी टेम्परेचर. देन TP एंड टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन. ओके, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन. ओके, BNP, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम. जो बालवाड़ी में न्यूट्रिशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, दैट इज द BPT. देन आफ्टर देन MDMP, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम. आपको मालूम है मिड डे मील प्रोग्राम, जब हम स्कूल में जाते थे उस टाइम हर दोपहर को खिचड़ी वगैरह वो सब चालू रहता था, दैट इज द मिड डे मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट. ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कील. IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. थोड़ा फास्ट लेता हूँ, वीडियो लेंदी हो रही है, हर एक के बारे में डिटेल वीडियो भी बनने वाले हैं बाद में. MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. MRI यानी क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस
इमेजिंग जो ब्रेन का हम MRI करते हैं, RBC रेड ब्लड सेल मालूम है, WBC व्हाइट ब्लड सेल ये भी आपको मालूम है, देन नेक्स्ट ECG दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके DMPA डेपोट मिथिल प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट, ओके DMPA कैसे देते हैं, थ्रू दी इंजेक्शन 3 मंथ्स, एक बार इंजेक्शन लिया तो 3 मंथ्स क्या मिलता है हमें, प्रिकॉशंस मिलता है, दैट इज द इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव, ये क्या है, ये इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव है, देन नेक्स्ट POP प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, दिस ऑल्सो द कॉन्ट्रासेप्टिव प्यूटी, CUDD सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, CUDD यानी सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ओके EEG इज द इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इट इज फॉर द ब्रेन, ब्रेन का हम निकालते हैं, DIC ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, इट इज द बैंक ऑफ द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन, वहाँ पे पूरा मेडिसिन का क्या होता है, नॉलेज होते हैं, इट इज फुल ऑफ द ऑफिशियल बुक्स होते हैं, वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन, वहाँ पे नॉलेज मिलता है हमें, WFI दैट इज स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ये भी बहुत लोगों को मालूम होगा, BP यानी ब्लड प्रेशर, ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो ड्रग के एडवर्स ड्रग हमें रिएक्शंस मिलते रहते हैं, ओके देन नेक्स्ट UDD दैट इज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, इट इज अ सिंगल डोज, ओके सिंगल डोज डिस्पेंसिंग ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, DIB ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ओके इट इज द ऑफिशियली पब्लिश ऑफिशियली बुक्स पब्लिश करते हैं, जर्नल्स पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग द रिसेंट नॉलेज ऑफ द मेडिसिन और अपडेटेड नॉलेज ऑफ द मेडिसिन फॉर द फिजिशियन फार्मासिस्ट और द हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, बाल ब्रिटिश एंट लेविसाइट दैट इज द बाल, ओके एंटीडोट है ये, WFI दैट इज वाटर फॉर इंजेक्शन, ओके SVP स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल यानी क्या, SVP 100 ml से कम क्या होता है, SVP होता है लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल से नहीं, 100 ml टू 500 ml, ओके आधा लीटर तक जो होता है वो क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स, देन नेक्स्ट CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ओके CT स्कैन यानी क्या, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, हम CT स्कैन इनिशियली करते हैं और बाद में कंफर्मेशन जब हो जाता है तो MRI की तरफ वहाँ पे जाते हैं, PTC प्राइमरी एंड थेरापेटिक कमेटी, सॉरी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी नॉट अ प्राइमरी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, OPD आपको मालूम है जो हम डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तब आउट पेशेंट जो रहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ट्रीटमेंट लेना और घर पे वापस आना, ओके दैट इज द OPD, IPD यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, हर एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल रहता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल वहाँ का हेड कौन होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी वो हेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो वहाँ भी चीफ मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ऑफ द स्टेट का क्या है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है, ANM एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ, ओके ANM आपको मालूम है एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ उसका लॉन्ग फॉर्म है, देन GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ओके दैट इज द GNM, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM 2005 को चालू हुआ है ये, ओके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल एरिया में हेल्थ का क्या करना, पूरा हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना थ्रू दी गवर्नमेंट, NUHM दैट इज नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज दैट इज दी आशा, ग्राउंड लेवल पे जो NRHM का काम करने वाले है, NRHM का ग्राउंड लेवल पे जो है NRHM का काम करने वाले कौन रहते हैं, आशा रहते हैं, NHM नेशनल हेल्थ मिशन, ओके नेशनल हेल्थ मिशन इज दैट इज द टू टाइप दैट इज NUHM अर्बन एंड दी रूलर, अभी हमने देखा था वैसा ही, देन नेक्स्ट NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO ENT अब हम बोलते हैं ENT हॉस्पिटल, ईयर एंड नोज थ्रोट, ओके ENT GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, ओके ICU ओके इंपॉर्टेंट यहाँ लिए है, आप टेलीग्राम की लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया तो आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, आयुष
Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Yunani, Siddha and Homeopathy. Okay, that is the AUSH, that is the ministry. Okay, ये मंत्रालय है. AICT, All India Council of Technical Education, AICT, जिसके अंडर और टेक्निकल एजुकेशन का कंट्रोल रेगुलेशन करता है, एजुकेशन रेगुलेशन, PCI. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज़ द मेन एजुकेशनल बॉडी ऑफ द इंडिया. ओके, रजिस्ट्रेशन भी इसके अंडर ही हमें फार्मासिस्ट का मिलता है. MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीरीज को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे USFDA है अमेरिका की, जैसे इंडिया की कौन सी है, सीडिस्को है. एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. ओके, नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट है. ओके, एम्स के बाद है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, दैट इज दी यूनिसेफ. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन.